हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ इंडिपेंडेंस डे मेकअप लुक। ये मेकअप लुक मैंने डे टाइम के लिए किया है, आप चाहो तो इसको नाइट टाइम में भी कर सकते हो। और अगर आपको ये मेकअप थोड़ा सा भी हार्ड लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, मैं आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे के एक ईजी भी मेकअप लाऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर। टोनर को पूरे फेस में मैं स्प्रे कर ले रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं हाथों से अपने डैब डैब करके इसको एब्जॉर्ब कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। आपका अगर एक्ने पिंपल्स वाले स्किन है तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ये धीरे धीरे आपके एक्ने पिंपल्स को कम कर देता है। इसको मैंने पूरे फेस में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा पूरे फेस में अच्छे तरीके से अप्लाई करके इसको हाथों से डैब डैब करके अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके बाद मैं यूज़ करी हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी फेस क्रीम। ये SPF 20 के साथ आता है। अगर आप घर में रह रहे हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, तो ये क्रीम यूज़ करके आपको सनस्क्रीन यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसको मैं फेस में एंड मेरे नेक में अच्छे तरीके से अप्लाई कर ले रही हूँ। और मेकअप करने से पहले पूरे तरीके से अच्छे से स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एल्ब्स गुडनेस का एलोवेरा सनस्क्रीम SPF 50। मैं सनस्क्रीम यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे डबल प्रोटेक्शन मिले, ये मेकअप करके बाहर जाना है इसलिए। अच्छे तरीके से पूरे फेस में अप्लाई कर ले रही हूँ। आप लोग बोलते हो कि हाँ, फेस में सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, ये तो आप अच्छे तरीके से ब्लेंड करोगे तो अब वाइट नहीं होगा। फिर जब भी सनस्क्रीन लगाए तो अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड कर ले। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड फेस प्राइमर। इसको मैं सबसे पहले अपने टी जोन में, उसके बाद पूरे फेस में एंड थोड़ा सा नेक पे भी लगा लूँगी, ताकि मुझे नेक पे भी तो फाउंडेशन लगाना है, इसके वजह से मैं नेक पे भी लगा ले रही हूँ प्राइमर। देख सकते हैं, प्राइमर को अच्छे तरीके से लगा कर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। प्राइमर लगा के 5 मिनट के बाद आप फाउंडेशन लगाओगे तो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा, अब आपके फेस में अच्छे तरीके से ब्लेंड भी हो जाएगा। यहाँ मैं फिटमी का फाउंडेशन ले रही हूँ, मेरा शेड है 128। इसको मैं पूरे फेस में एंड मेरे नेक में अच्छे तरीके से लगा लूँगी। इसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से पूरे फेस में ब्लेंड कर लूँगी। जब भी आप ब्लेंड करें तब प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो, और इतना भी ज़्यादा ब्लेंड मत कर लीजिएगा कि ताकि आपके फेस से हट जाए पूरा फाउंडेशन। धीरे धीरे पूरे फेस में अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। देख सकते हैं मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला स्विस ब्यूटी का कंसीलर, मेरा शेड है 03। इसको मैं पूरे फेस को मैं हाईलाइट करूँगी। इसको मैं अपने आई लिड में यूज़ कर रही हूँ, अंडर आइज में यूज़ कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ नोज में यूज़ कर रही हूँ, क्यूपिड बो लिप्स के अराउंड, अपने जॉ लाइन के थोड़े से ऊपर, अपने फोरहेड, आईब्रो के ऊपर मैं अच्छे तरीके से इसे अप्लाई करूँगी। अब जहाँ जहाँ मेरे फेस में थोड़ा भी ब्लैक स्पॉट है, मैं वहाँ भी थोड़ा थोड़ा मैं इसी कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी, और कंसीलर को भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि कोई भी पैच। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर प्लस मैट लूज पाउडर लेके
अपने फेस को सेट करूँगी। सबसे पहले मैं अपने अंडर आइज को, ब्रिज ऑफ द नोज़ को और अपने फोरहेड को अच्छे तरीके से पहले पाउडर से सेट करूँगी। उसके बाद मैं पूरे फेस को पाउडर से सेट करूँगी। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था पहले उसी उसी जगह को अच्छे तरीके से सेट करना है। आइस के ऊपर भी अच्छे तरीके से सेट करना है ताकि जब आप आई शेडो अप्लाई करो तो कंसीलर की वजह से वो पैची सा ना हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ गुड वाइब्स का रोजमेरी फेस मिस्ट लेके अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप फेस मिस्ट से भी अपने फेस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ क्रीम ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ, फेसेस कैनेडा का ब्लश म्यूज। ये क्रीम फॉर्मूला में है, इसको मैं पूरे अपने चीक्स में कर ले रही हूँ। अपने नोज़ में भी थोड़ा सा मैं अप्लाई करूँगी, चिन में भी अप्लाई करूँगी और फोरहेड में भी हल्का सा अप्लाई करूँगी। आपको पता है मैं जब भी ब्लश यूज़ करती हूँ मैं अपने नोज़ में और चिन में भी यूज़ करती हूँ ताकि पूरे फेस का एक नेचुरल सा लुक आए, बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे। आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं वो ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ पूरे फेस को, मतलब जहाँ जहाँ मैंने पूरे फेस नहीं, जहाँ जहाँ मैंने ब्लश को अप्लाई किया वहाँ वहाँ। मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं फोरहेड में भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि फोरहेड थोड़ा सा छोटा लगे। देख सकते हैं मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना आप लोग लाइक करें ना सब्सक्राइब करें तो मुझे कैसे ये अच्छा लगेगा, और मैं अब अगर मुझे अच्छा ना लगे तो मैं आगे कैसे वीडियो लाऊंगी। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का क्रीम कॉन्टोर स्टिक है ये, इसको मैं ब्रश के हेल्प से लगा ले रही हूँ पूरे फेस में। आप अगर चाहते हो कि मैं कैसे कॉन्टोर करना है, कैसे हाईलाइट करना है, इसका अलग से वीडियो लाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं ज़रूर लाऊंगी। क्योंकि बहुत कोई को पता नहीं होता है कि हाईलाइट क्या होता है, कॉन्टोर क्या होता है, तो मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, अपने नोज़ को कॉन्ट्रोल कर रही हूँ और अपने लिप्स में भी कंट्रोल कर रही हूँ ताकि लिप थोड़ा सा मोटा मोटा लगे। अच्छे तरीके से अपने फेस को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। देख सकते हैं मैं यहाँ कॉन्ट्रोल कर रही हूँ किस तरीके से। और हाँ ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कॉन्ट्रोल और हाईलाइट का वीडियो देखना है कि नहीं है, कि कैसे कंसीलर यूज़ किया जाता है, कैसे कॉन्ट्रोल यूज़ किया जाता है। मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और देखिए स्पंज को कैसे ऐसे दबा के थोड़ा पकड़ना है ताकि स्पंज थोड़ा सा पतला हो जाए और उससे अपने फेस को एंड नोज़ को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है कंट्रोल करके। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एले कलर्स का 3D पैलेट। इसमें से मैं कंट्रोल सेट लेके जहाँ जहाँ मैंने क्रीम कंट्रोल किया है वहाँ वहाँ मैं पाउडर कंट्रोल से सेट कर रही हूँ। अपने चीक्स को, फोरहेड को, नोज़ को मैं अच्छे तरीके से सेट कर रही हूँ क्योंकि अभी समर का मौसम है तो आप क्रीम कंट्रोल मेल्ट हो सकता है, इसके लिए पाउडर कंट्रोल से सेट कर लेना है। देख सकते हैं पूरे फेस को मैं यहाँ सेट कर ले रही हूँ और कंट्रोल करने से फेस का कटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। आपका फेस बहुत मोटा रहता है तो उसे पतला दिखता है। उसके बाद मैं इसी पैलेट से ब्लश लेके अपने चीक्स में अप्लाई कर ले रही हूँ
मैं यहाँ भी नोज़ में और चिन में थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। ये ब्लश का कलर भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। देखिए मैम, नोज़ में भी और चिन में भी मैं यूज़ कर रही हूँ। फोरहेड में भी थोड़ा सा अप्लाई कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं बताई पहले ही कि मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद मैं हिलारी रोडा का ये पैलेट लेके अपने आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैं ये ऑरेंज शेड लेके अपने क्रीज़ में अप्लाई करूँगी और अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी। ये मैट कलर नहीं है, ये सिमरी कलर है। मैट कलर होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं अच्छे तरीके से यहाँ ब्लेंड कर ले रही हूँ। देख सकते हैं, उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ और उससे मैं अपने आईज़ में एक कट क्रीज़ ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत किसी को कट क्रीज़ ड्रॉ करना नहीं आता है, इसके वजह से आपको ये मेकअप थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। और अगर आपको ये मेकअप हार्ड लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं इजी एक लुक लाऊंगी। और जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा ताकि मैं जल्दी से लुक, इजी से एक लुक ला पाऊँ। जो भी आपको, जो भी समझने में प्रॉब्लम हो या जो भी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। देख सकते हैं मैंने कर लिया है कट क्रीज। उसके बाद मैं पाउडर से मैंने सेट भी कर लिया है और उसके बाद मैं ऑरेंज शेड लेके कट क्रीज का जो एजेस है मैं उसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं और एक हिलारी रोडा का पैलेट लेके, ये मैट पैलेट है, इसमें से ग्रीन शेड लेके अपने आउटर भी से, आउटर भी को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आउटर भी से लेके मैं आईलिड के मिडिल तक मैं इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। देखिए ये मेकअप का आउटकम बहुत ही अच्छा आएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। देखिए अच्छे तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है, अब अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है। अब आई शेडो और फाउंडेशन ये दोनों को प्रॉपरली ब्लेंड करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ से ये वाइट आई शेडो ले रही हूँ, उसको मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके आई लिड के मिडिल तक मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। जहाँ मतलब जहाँ मेरा ग्रीन आईलाइनर ख़त्म हुआ है वहाँ तक मैं इसे अप्लाई करूँगी। ग्रीन आई शेडो ख़त्म हुआ है, मैं आईलाइनर बोल दी हूँ, ग्रीन आई शेडो जहाँ मेरा ख़त्म हुआ है वहाँ तक मैं ये वाइट आई शेडो को अप्लाई करूँगी। सॉरी थोड़ा बहुत गलती हो जा रहा है, क्योंकि गलती तो इंसानों से ही होता है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अब दोनों कलर को ब्लेंड करना है एक साथ, ताकि दोनों कलर ब्लेंडेबल दिखे। उसके बाद मैं ये ब्रश लेके थोड़ा सा ऑरेंज शेड लेके अच्छे तरीके से एजेस को मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। सब आई शेडो को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना ताकि कोई क्रीज लाइन ना दिखे। देख सकते हैं यहाँ मेरा आई शेडो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब बारी आता है आईब्रो का। तो इस यहाँ मैं स्पूली के हेल्प से अपने आईब्रो को पहले कोम कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आईब्रो पाउडर लेके अपने आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। अच्छे तरीके से शेप देके मैं यहाँ फिल कर ले रही हूँ। सबसे पहले आपको आईब्रो को अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको मिडिल में फिल करना है। उसके बाद स्पूली के हेल्प से मैं फिर एक बार कॉम कर ले रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ NYB का ब्लैक आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्लैक आईलाइनर के हेल्प से मैं एक विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ही पतला सा विंग क्रिएट कर रही हूँ, मैं मोटा नहीं कर रही हूँ।
और बहुत बड़ा विंग नहीं करूँगी मैं, छोटा सा विंग आइलाइनर कर रही हूँ मैं यहाँ। देख सकते हैं आईलाइनर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर्पल का विंकिंग टुगेदर काजल लेके अपने आईज में अप्लाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना डार्क ब्लैक सेड है इसका। अपने आईज के लोअर वर्टल लाइन एंड अपर वर्टल लाइन में मैं अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर लूँगी ताकि आईज बड़े बड़े दिखे। उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश में ऑरेंज शेड लेके अपने लोअर वाटर लाइन में, वाटर लाइन के नीचे मैं ऐसे अप्लाई कर लूँगी और अपने काजल के साथ ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर ले रही हूँ। उसको मैं अपने चीक्स बोन में अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी और चीक्स बोन में अप्लाई करूँगी, नोज़ में अप्लाई करूँगी, ब्रिज ऑफ द नोज़, टिप ऑफ द नोज़ में मैं अच्छे तरीके से अप्लाई करूँगी, ब्रो बोन में मैं ऐसे अप्लाई करूँगी। ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है, बहुत अब ब्राइट्स के लिए तो ये हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपने क्यूपिड बो चिन में, अपने फोरहेड में थोड़ा सा अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हाइलाइटर कैसे अप्लाई करते हैं तो इसके लिए भी मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं वीडियो लाऊंगी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो। बहुत किसी को भी पता नहीं होता कि हाइलाइटर कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन जगह में यूज़ करते हैं, तो मैं आप लोग के लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगी अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो। इसके बाद मैं यहाँ सेटिंग स्प्रे के बदले में मैं फेस मिस्ट यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का। इसके बाद मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया है ये पर्पल का लिक्विड लिपस्टिक। मेरा सेट नंबर है 3 माय फर्स्ट डेट। उसके बाद मैं यहाँ फेसेस कैनेडा का मैग्नेटाइज मस्कारा यूज़ कर ले रही हूँ। मस्कारा आप लास्ट में यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा है, उसको अच्छा होता है क्योंकि वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं है, इसलिए मैं इसे लास्ट में यूज़ करी। वाटर प्रूफ होता तो मैं आगे यूज़ कर लेती। तो दोस्तों ये था आज का फाइनल लुक, कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।